हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का एक पेपर, और ये पेपर 6 अगस्त 2017 को कंडक्ट हुआ था। ये सेट 4 है और 2017 के पूरे 43 सेट यानी 1000 से ऊपर करीब क्वेश्चन में अपने टारगेट बैच में पूरे सॉल्व करवा रहा हूँ। तो टारगेट बैच इस समय रनिंग है और 9 जुलाई से ऑलरेडी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेट बैच की सारी डिटेल यहाँ पर हैं और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टारगेट बैच में आपको इंग्लिश का पूरा कंटेंट, वीडियो क्लासेस और पीडीएफ के फॉर्म में जीके का पूरा कंटेंट और करंट अफेयर्स का पूरा कंटेंट आपको एक ही जगह मिलेगा, और इसके थ्रू आप अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर या पीसी पर घर बैठे बिना किसी टेंशन के शांति के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस टारगेट बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करें और इसका लास्ट डेट जो है वो 30 जुलाई है। यहाँ से हम पढ़ेंगे, और ये पेपर जो हुआ था ये 6 अगस्त 2017 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। ये रियल क्वेश्चंस हैं और इसकी मदद से आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन 2018 में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट रीसेंट पेपर जो होता है उसको काफ़ी हद तक कॉपी किया जाता है नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्जाम्स में। तो 2018 में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इससे आपको एक फेयर आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना है। जैसे एक एरर का क्वेश्चन है, नॉट टू लॉन्ग अगो देन द लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हेयर। तो इसमें एक्चुअली ये जो फ्रेज है इसका सही यूसेज क्या है? इसका सही यूसेज होता है इफ़ नॉट टू लॉन्ग अगो, यदि बहुत पहले की हम बात नहीं करें तो लॉज जो था यहाँ पर रुकने का एकमात्र साधन था। ठीक है, ये इसका मतलब है। और ये जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं ये एरोनियस पार्ट है यानी गलत पार्ट है, और यहाँ पर आपका आंसर होगा 1। तो इंग्लिश के पेपर में या मैथ रीजनिंग के पेपर में या जीके के पेपर में हमेशा ध्यान रखिए कि 70% जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी सरल होंगे और उनको ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट करके आएंगे। आपका जो कंपटीशन होगा वो 30% जो ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं उन पर होगा, और ट्रिकी और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की हम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस अपने मॉक टेस्ट के थ्रू हम अपने टारगेट बैच में करवा रहे हैं। तो टारगेट बैच में आपको ये बेनिफिट सारे आपको मिलेंगे जो कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ही वॉज एबल टू पुट पेन पेपर ओनली मच लेटर। देखिए, पुट पेन टू पेपर, पुट पेन टू पेपर का मतलब होता है पुट पेन और यहाँ पर आएगा टू पेपर, पुट पेन टू पेपर। जब हम पेन को पेपर पर रखते हैं तो हम कुछ लिखते हैं, यानी यहाँ पर जो फ्रेज है ये आपका गलत है और सेकेंड जो होगा ये यहाँ पर आपका आंसर होगा। सही फ्रेज क्या है? सही फ्रेज है टू पुट पेन टू पेपर, विच मीन्स टू स्टार्ट राइटिंग ऑन समथिंग। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है और आपके सामने रियल क्वेश्चन हैं। ये फिलर का एक क्वेश्चन है, आई सेंस द ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब देखिए, जैसे ही आप सेंस्ड बोलते हैं, सेंस का मतलब किसी चीज़ का पता लगाना, किसी चीज़ को ताड़ जाना, किसी चीज़ को भांप लेना। तो आई सेंस्ड वॉट, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको व्हाट का आंसर चाहिए, और व्हाट का आंसर जो होता है वो नाउन होता है, यानी यहाँ पर आपको नाउन चाहिए और नाउन इसमें है ब्यूटी। हालांकि ब्यूटिफिकेशन भी नाउन है लेकिन ब्यूटिफिकेशन का अर्थ होता है सजावट, सुंदरता नहीं। यहाँ पर आपको सुंदरता का इक्विवेलेंट एक वर्ड चाहिए, आई सेंस द ब्यूटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, मैंने आर्ग्यूमेंट की सुंदरता को देखा, उसको भांपा। ठीक है, तो सेंस्ड व्हाट, सेंस का मतलब है ब्यूटी, सेंस्ड वॉट का आंसर जो आएगा वो नाउन के फॉर्म में आएगा और नाउन फॉर्म में यहाँ पर ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द बीन्स आर टर्न्ड टू अवॉइड बर्निंग। ठीक है, बीन्स को टर्न किया जाता है, यानी यहाँ पर आपको यहाँ पर चूंकि टर्न्ड है और टर्न्ड एक क्या है, वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर आपको एक एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब जो है जिसमें एलवाई लगा रहता है वो एडवर्ब की फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी, ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है और आप देख सकते हैं द बीन्स आर टर्न्ड बाय समवन टू अवॉइड बर्निंग। जब किसी चीज़ को किसी 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 काम को किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, एक एजेंट जब इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो वो होता है पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर चूंकि वर्ब दी है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एक एडवर्ब की जरूरत है, तो इसलिए कॉन्स्टेंटली विल बी द राइट आंसर हियर। सिमिलर वर्ड ड्रिबल का क्या मतलब है? ड्रिबल का अर्थ होता है नॉनसेंस टॉकिंग, और नॉनसेंस तो इसमें वर्ड नहीं दिया है लेकिन नॉनसेंस का इक्विवेलेंट वर्ड यहाँ पर दिया है ब्लेदर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ब्लेदर। जुडिशियस क्या होता है? जुडिशियस होता है प्रूडेंट, बुद्धिमान, केयरफुल,
ठीक है, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, और सेन का अर्थ होता है सेंसिबल यानी समझदार। यहां पर हम कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। ड्रिबल के जो सिनोनिम और एंटोनिम होंगे वो होंगे, सिनोनिम इसके होंगे प्रेटल और बेबल। प्रेटल और बेबल इसके दूसरे सिनोनिम होंगे, और एंटोनिम होगा इसमें काम एंड हश। और जूडिशियस के कुछ सिनोनिम मैंने आपको आपके लिए यहां पर दिए हैं, एक होगा सेंसिबल, एक होगा कॉशस, और एक होगा एस्ट्यूट। तो इन वर्ड्स को भी आप याद कर सकते हैं। परसिवियरेंस का क्या मतलब है? परसिवियरेंस का मतलब है कि लगातार काम करने की क्षमता, ठीक है, अब डग से मग नहीं होना और लगातार काम करना। तो परसिवियरेंस का एक्चुअली इक्विवेलेंट वर्ड टेनेसिटी भी होता है, लेकिन टेनेसिटी ने यहां पर नहीं दिया है। कॉवर्डिस का अर्थ होता है कायरता, लेथार्जी का अर्थ होता है आलसपन या लेजीनेस, और इंडोलेंस का अर्थ भी होता है लेजीनेस। तो ऑप्शन में जो आपके आंसर में जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा इंड्यूरेंस। हालांकि इंड्यूरेंस का अर्थ होता है सहन करने की क्षमता, और परसीवरेंस का अर्थ होता है लगातार डटे रहना, जिसको हम टेनेसिटी बोलते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहां पर आंसर आपका फर्स्ट यहां पर आपका आंसर होगा। और टेनेसिटी या डिटर्मिनेशन भी इसके सिनोनिम होंगे, और इसके एंटोनिम होंगे स्टॉप और क्विट। इंडोलेंस का अर्थ होता है लेजीनेस, ठीक है। तो ये डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, कॉमन वर्ड्स हैं, और इनको आप आसानी से आप इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से आप मास्टर कर सकते हैं। हैजार्डस का क्या अर्थ है? जैसे हम हैजार्ड्स पढ़ते हैं, जैसे एनवायरमेंटल हैजार्ड्स यानी रिस्क या खतरे, लेकिन यहां पर आपको अपोजिट वर्ड चाहिए। तो जो हैजार्डस नहीं है वो कैसा है? वो होगा सेफ और सिक्योर, सुरक्षित। तो यहां पर आपका आंसर होगा सिक्योर। पेरिलस यानी रिस्की, पेरिलस जो वर्ड बना है वो पेरिल से बना है, ठीक है, इसका अर्थ होता है रिस्की। डाइसी का क्या अर्थ है? डाइसी जैसे शतरंज में होता है, जिसके थ्रू हम खेलते हैं, ठीक है। तो डाइसी जो होता है वो काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि उसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 2 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। तो इसलिए डाइसी का अर्थ होता है अनप्रिडिक्टेबल, और प्रीकेरियस का अर्थ होता है आपका क्रिटिकल या शेकी या स्टेबल। तो यहां पर मैं चारों ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इस वीडियो क्लास की मदद से आपके करीब 100 क्वेश्चन, 100 रियल क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। एडवोकेसी का क्या अर्थ है? एडवोकेसी का अर्थ है सपोर्ट करना, लेकिन यहां पर आपको अपोजिट चाहिए, तो अपोजिट होगा इसका डिस्करेजमेंट। एडवांसमेंट का मतलब आगे बढ़ना, असिस्टेंस मतलब सहयोग, और बैकिंग का अर्थ होता है सपोर्ट। तो यहां पर अपोजिट वर्ड होगा इसका डिस्करेजमेंट। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं पुट वंस फुट डाउन। ये एक अच्छा इडियम है, और इसको हम स्पोकन इंग्लिश में भी काफी लोग यूज करते हैं। पुट वंस फुट डाउन का मतलब है कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है या कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है, तो उसमें एक फर्म डिसीजन लेना, उसमें एक मजबूत डिसीजन लेना कि मैं करूंगा तो यही करूंगा, अदरवाइज कुछ नहीं करूंगा, और अपने डिसीजन से मैं हटूंगा नहीं, उसको हम बोलते हैं पुट वंस फुट डाउन। और यहां पर 4 ऑप्शंस में से आपका आंसर होगा सी, अडॉप्ट अ फर्म पॉलिसी व्हेन फेस्ड विद अपोजिशन और डिसओबीडियंस। विसिल इन द डार्क का क्या मतलब है? विसिल इन द डार्क एक अच्छा आइडियम है, और ये सीजीएल 2017 में ये पूछा गया है। विसिल इन द डार्क का मतलब है कि अंधेरे में सीटी बजाना, अंधेरे में आपको डर लग रहा है लेकिन आप सीटी बजा के ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको डर नहीं लग रहा है, ठीक है, मतलब आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको डर नहीं लग रहा है। तो इसका सही आंसर होगा प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड, प्रिटेंड टू बी अनअफ्रेड, ठीक है, ए यहां पर इसका सही आंसर होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन आप नीचे देख सकते हैं, टू अटेम्प्ट टू समन अप वंस करेज, अपने साहस को जुटाना डिफिकल्ट सिचुएशन में, ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। इसके अलावा एक इडियम और है विसल इन द विंड, तो ये भी पूछा जा सकता है। विसल इन द विंड का मतलब है कि आप एक ऐसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अनसक्सेसफुल कोशिश कर रहे हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज विसलिंग इन द विंड, यू मीन दैट दे आर ट्राइंग अनसक्सेसफुली टू चेंज समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड, ये इस सेंटेंस का मतलब है। और नीचे मैंने एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी दिया है, विसल इन द विंड काफी अच्छा एक इडियम है, और ये निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चन। आई एम ऑलवेज वंडर्ड, चूंकि यहां पर वंडर्ड दिया है इसलिए यहां पर आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, और यहां पर आप बोलेंगे आई के साथ आप लगाएंगे हैव, ठीक है। और ऑलवेज जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद इसको हम लगाते हैं, तो आई हैव ऑलवेज वंडर्ड, ठीक है, बी इसमें बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। और इस फ्रेज का आखिर मतलब क्या होता है? आई वंडर इफ, इसके बाद हम इफ या वेदर लगाते हैं, और इसका मतलब होता है कि पोलाइटली आप किसी व्यक्ति से कुछ पूछना
कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि या कोई फेवर आप उससे मांगना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आई वंडर, अ पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समवन फॉर समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन और देयर ओपिनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दे लोडेड देयर शिप्स विद स्पाइसेस एंड सिल्क्स एंड, देखिए ये तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें यहाँ पर देखिए लोडेड है तो ये पास्ट टेंस है, और यहाँ पर भी आगे भी हम रिटर्न की जगह पास्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए यानी रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड कौन सा होगा, लूप होल्स। लूप होल्स का मतलब होता है किसी चीज़ की खराबी या कमियाँ या ड्रॉबैक्स, तो लूप की स्पेलिंग सही है एल डबल ओ पी और होल्स की है एच ओ एल ई एस, तो फर्स्ट यहाँ पर आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। एक ये वर्ड पूछा गया है, ये थोड़ा सा नया वर्ड है और लिटरेचर में ये यूज़ होता है, वेयर फॉर, वेयर फॉर का अर्थ होता है वाई, ठीक है, और इसकी सही स्पेलिंग है डब्ल्यू एच ई आर ई एफ ओ आर ई, बी इसकी सही स्पेलिंग है, और इसका अर्थ होता है एक्चुअली वेयर इसका अर्थ नहीं होता है, इसका अर्थ होता है वाई। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं, डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी चीज़ की कीमत का घट जाना, डिमिनिश का अर्थ होता है घट जाना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं या डेप्रिशिएट भी इसको हम बोलते हैं, और बाकी ये तीनों जो वर्ड हैं इनका अर्थ होता है किसी चीज़ का बढ़ना, एस्केलेट ऑगमेंट एंड एग्रेंटाइज, इन तीनों ही वर्ड्स का मतलब होता है बढ़ना, एग्रेंटाइज का मतलब आप देख सकते हैं इंक्रीज द पावर स्टेटस और वेल्थ ऑफ समथिंग। ठीक है, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टराइल। स्टराइल के एक्चुअली दो मीनिंग होते हैं, लेकिन इसके दो मीनिंग समझने से पहले हम इन तीन वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं क्या क्या होते हैं इसके। फेकंड का अर्थ होता है प्रोडक्टिव, ग्रेविट का अर्थ होता है प्रेग्नेंट या फुल ऑफ एग्स, और हेबेटिक का क्या अर्थ है, हेबेटिक का मतलब है एडोलोसेंस से संबंधित, युवा अवस्था, जब एक व्यक्ति की युवा अवस्था या जवानी जब स्टार्ट होती है या एडोलेसेंस एक स्टार्ट होता है उससे संबंधित कोई भी वर्ड है या कोई भी प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं हेबेटिक। पर्टेनिंग टू और अकरिंग इन पॉवर्टी, ठीक है, हेबेटिक इसको हम बोलेंगे, ग्रेविट का अर्थ होता है प्रेग्नेंट, फेकंड का अर्थ होता है प्रोडक्टिव, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, और स्टराइल के एक्चुअली दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग इसका होता है नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, और एक इसका मीनिंग होता है फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया और अदर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सेकंड दो इसके आंसर होते हैं, और ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। पैराजंबल हम देखते हैं, पैराजंबल ही डज नॉट मीन, इसमें एक्स वाई और जेड इन तीनों को आपको सीक्वेंस में लाना है, ही डज नॉट मीन एक वर्ब है, और यहाँ पर आप 2+B1 आप जोड़ सकते हैं, ही डज नॉट मीन टू इंडिकेट दैट द रिलेशन, रिलेशन के बाद आप इज जोड़ सकते हैं, ठीक है, ही डज नॉट मीन टू इंडिकेट दैट द रिलेशन इज एनी द लेस यूनिफॉर्म और डिपेंडेबल व्हेन ही डिनाइज दैट इट इज कैजुअल। ठीक है, पहले इसमें देखिए जब भी आप कोई पैराजंबल करते हैं तो पहले नाउन आती है फिर प्रोनाउन आता है, तो रिलेशन पहले आया है और रिलेशन को रिप्लेस करने के लिए इट आया है, तो पहले रिलेशन वाला सेंटेंस आएगा उसके बाद इट वाला सेंटेंस आएगा, तो ये भी एक लॉजिक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, ही डज नॉट मीन यानी फर्स्ट सेंटेंस ये होगा, सेकंड सेंटेंस ये होगा और थर्ड सेंटेंस ये होगा, यानी वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स आपका सही आंसर इसमें होगा। नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग, बाइंग के साथ क्या वर्ड जुड़ सकता है, बाइंग के साथ जुड़ सकता है कैपेसिटी, जिस तरीके से परचेजिंग के साथ पावर वर्ड जुड़ सकता है परचेजिंग पावर, उसी तरीके से बाइंग के साथ कैपेसिटी वर्ड जुड़ सकता है, तो ये होगा फर्स्ट सेंटेंस, Not only people have buying capacity in the city, people here are also, not only के साथ हम also लगाते हैं, not only but also जैसे होता है, तो ये हो जाएगा second और ये हो जाएगा third, यानी y z x, इसमें भी आपका आंसर होगा by z x। Active passive voice के सेंटेंस देखते हैं, director will give you instructions, instructions से ये सेंटेंस स्टार्ट होगा, ये है इसमें सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसमें दो पैसिव वॉइस बन सकते हैं, एक यू से बन सकता है और एक इंस्ट्रक्शन से बन सकता है, लेकिन यू वाला ऑप्शन इसमें शायद नहीं दिया है, हाँ नहीं दिया है, तो इंस्ट्रक्शन वाला सही माना जाएगा, इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें हम शैल भी नहीं लगाएंगे,
शेल बी हम तब लगाते जब यहाँ पर आई या बी होता, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इसमें बी। वट मेक्स यू सो सैड, ये नरेशन के कुछ क्वेश्चन हैं और इसमें दो पार्ट होते हैं, ये है आपका रिपोर्टिंग पार्ट और ये है आपका रिपोर्टेड पार्ट। इस पार्ट को आपको चेंज करना है, इस पार्ट को, ठीक है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को आपको चेंज करना है। ये जो यू होता है ये रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो यू जो चेंज होगा ये मनोज के हिसाब से चेंज होगा। मनोज का जो इक्विवेलेंट प्रोनाउन होगा वो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा शी आस्क्ड मनोज व्हाट मेड हिम सो सैड, चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है इसलिए व्हाट मेड हिम करेंगे हम, यू की जगह, यू के स्थान पर यहाँ पर हिम का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है, व्हाट मेड होगा ये, तो इसमें सही आंसर होगा आपका सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक पैसेज है और इस पैसेज को हम पढ़ते हैं। द क्वेस्ट टू फाइंड लाइफ आउटसाइड द सोलर सिस्टम गॉट अ बिग बूस्ट विद द डिस्कवरी ऑफ 7 अर्थ साइज एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट और एक्सो प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अ ड्वार्फ स्टार अबाउट 40 लाइट ईयर्स अवे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ की खोज चल रही है पृथ्वी के अलावा भी किसी प्लैनेट पर, वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि किसी और प्लैनेट पर लाइफ को खोजा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा बूस्ट मिला है, एक डिस्कवरी हुई है जिसमें 7 अर्थ साइज प्लैनेट्स को खोजा गया है, 7 अर्थ साइज एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स को खोजा गया है और ये ड्वार्फ एक स्टार है जो कि 40 लाइट ईयर्स अवे है, वहाँ पर इसको खोजा गया है। अनलाइक अर्लियर डिस्कवरी ऑफ एक्सो प्लैनेट्स ऑल 7 प्लैनेट्स कुड पॉसिबली हैव लिक्विड वाटर, इन 7 प्लैनेट पर लिक्विड वाटर हो सकता है, अ की टू लाइफ जो कि जीवन जीने के लिए जरूरी है एज वी नो इट ऑन अर्थ, विद 3 प्लैनेट्स हैविंग द ग्रेटेस्ट चांस, मतलब इन 7 प्लैनेट्स में से 3 प्लैनेट्स पर ग्रेटेस्ट चांस है कि वहाँ पर पानी हो सकता है, लिक्विड वाटर हो सकता है, और लिक्विड वाटर हो सकता है तो वहाँ पर लाइफ हो सकती है। दिस इज बाय फार, मतलब अब तक दिस इज बाय फार द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द हैबिटेबल गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन क्या होता है, एक हैबिटेबल जोन होता है, मतलब वहाँ पर कोई भी प्लैनेट होगा तो उस पर हैबिटेशन किया जा सकता है, उस पर लाइफ को बसाया जा सकता है, ठीक है, इसको आप समझिए थोड़ा ध्यान से। नीदर टू क्लोज नॉर टू फार फ्रॉम अ स्टार, मतलब गोल्डीलॉक जो जोन होता है वो स्टार से ना तो ज़्यादा दूर होता है और ना ही ज़्यादा पास होता है, वहाँ पर जो प्लैनेट होता है वो ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, और वहाँ पर वो जो जोन होता है वो हैबिटेबल जोन बन जाता है। फ्रॉम ए स्टार विच रेजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर बींग प्रेजेंट ऑन द सर्फेस, यदि वो ना ज़्यादा पास है ना ज़्यादा दूर है तो वहाँ पर लिक्विड वाटर होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, और लिक्विड वाटर वहाँ पर है तो वहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं, ओनली अर्थ हैज़ लिक्विड वाटर इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में केवल अर्थ पर ही लिक्विड वाटर है और लिक्विड वाटर की वजह से ही, केवल अर्थ पर ही लाइफ है। सिंस द ड्वार्फ स्टार इज मच कूलर देन द सन, चूंकि जो ड्वार्फ स्टार है वो बहुत ठंडा है सन की अपेक्षा, द डिमिंग ऑफ लाइट ईच टाइम ए प्लैनेट पासेस और ट्रांजिट बिफोर द स्टार कुड बी इजीली रिकॉर्डेड फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, यदि कोई प्लैनेट स्टार के सामने से गुजरता है तो उसको आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है क्योंकि स्टार जो है वो सन की अपेक्षा काफी ठंडा है, यदि वही प्लैनेट स्टार के सामने से गुजरेगा तो उसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी क्योंकि जो सन है वो थोड़ा सा वो ज़्यादा ब्राइट है स्टार की अपेक्षा। सिंस द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ 3 प्लैनेट वॉज मेड यूजिंग चिली बेस्ड ट्रांजिटिंग प्लैनेट एंड प्लांटिसिमल स्मॉल टेलीस्कोप द एक्सको प्लैनेट सिस्टम इज कॉल्ड ट्रैपिस्ट, मतलब इनकी जो खोज की गई है 3 प्लैनेट्स की जहाँ पर पानी हो सकता है, ये एक चिली बेस्ड, चिली एक देश का नाम है, चिली बेस्ड एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है ट्रैपिस्ट, वहाँ पर इसकी खोज की गई है। द टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट इज इन विच कंट्री, टेलीस्कोप जो ट्रैपिस्ट है वो किस कंट्री का है, वो चिली का है। वॉट इज एसेंशियल टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन ए प्लैनेट, यानी प्लैनेट पर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ के लिए क्या जरूरी है, इसका आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर। वॉट इज द गोल्डीलॉक जोन, गोल्डीलॉक जोन क्या है, गोल्डीलॉक जोन जो है वो प्लैनेट की स्टार से करेक्ट डिस्टेंस है ताकि वो ना ज़्यादा ठंडा रहे ना ज़्यादा गर्म रहे, सी इसका सही आंसर है।
व्हाट मेड इट इजियर टू रिकॉर्ड द पैसेज ऑफ द प्लैनेट इन फ्रंट ऑफ द स्टार, मतलब किस चीज ने प्लैनेट की रिकॉर्डिंग को सरल बना दिया। तो इसका आंसर होगा द फैक्ट दैट द स्टार इज मच स्मॉलर एंड कूलर देन अवर सन, फर्स्ट जो है इसका आंसर है। हाउ मेनी प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम हैव लिक्विड वाटर, केवल एक और वो है पृथ्वी, इसका आंसर होगा वन। तो ये थे 25 क्वेश्चन सीजीएल 2017 के, और ये पेपर इवनिंग शिफ्ट में 6 अगस्त 2017 को हुआ था। कुछ पेपर यानी 10-12 पेपर मैं इंग्लिश एडवांटेज चैनल यूट्यूब चैनल पर अपने सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करूंगा, लेकिन पूरे सेट 2017 के 43 सेट और 2016 के कुछ सेट्स मैं टारगेट बैच में पूरे सॉल्व करा रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट यदि सीरियस हैं और एसएससी में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो हमारा टारगेट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं 30 जुलाई से पहले। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मुझे आप मेल भी कर सकते हैं और कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर दिए हैं, और इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके आप टारगेट बैच को आप तुरंत ज्वाइन करें और अपनी सफलता आप सुनिश्चित करें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।